अब इंटरफ्रेंस ड्यू टू थिन फिल्म बाय ट्रांसमिटेड लाइट, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमारे पास एक थिन फिल्म है, ठीक है। इतनी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस टी, ऊपर एयर, नीचे एयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आ गया, ये नॉर्मल, ठीक है। यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया पहला, ठीक है। इतनी बात फिर यहीं से क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया दूसरा, ठीक है। इतनी बात इसके बाद फिर से नॉर्मल, ये नॉर्मल, फिर से यहां पर रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात फिर से नॉर्मल, ये रिफ्लेक्ट और ये दूसरा इधर उधर भी होंगे, ऊपर जो भी होंगे उससे मतलब, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दो, मुझसे इन दोनों से मतलब, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये ट्रांसमिटेड वन हो गया और ये ट्रांसमिटेड टू हो गया, यस इधर वन और टू हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ए नॉट वाला एम्पलीट्यूड से आ रहा था जीरो फेज के साथ, ये पाई हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अगर फेज देखो सबका मैंने सही लिखा है, चेक करो भाई। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो, फेज में कहीं दिक्कत नहीं आ रही, ठीक। अब आप एक चीज देखो यार ध्यान से, यहां पर आने के बाद दोनों फिर से क्या हो गए, सेम वेव का पार्ट बन गए कि नहीं बन गए, ये येलो वाला वेव फ्रंट है, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात अब आप एक चीज देखो, इसने जो पाथ ट्रेवल करा सेकंड वाले ने वो ये करा, दिस एंड दिस, और फर्स्ट वाले ने जो करा वो ये वाला, मुझे पार्ट डिफरेंस ही देखना है सिर्फ दोनों का, हाँ या ना। तो मैंने कैलकुलेट करा था, कल भी यही करा था हमने शायद, कितना आया था, टू म्यूटी कॉस आर, याद है कि नहीं है, टू म्यूटी कॉस आर आया था, ठीक है। इतनी बात तो ये अगर मैं एक्स वन कहता हूँ और ये रास्ता क्या कहता हूँ मैं, एक्स टू कहता हूँ, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा एक्स केम आउट टू बी टू म्यू टी कॉस आर, आया था हमने कैलकुलेट किया, करा था कि नहीं करा था, ठीक है। इतनी बात अब इनिशियल फेज डिफरेंस तो कुछ है नहीं, अब जब वन और टू सुपर इम्पोज करेंगे हमारी आई में तो मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, ठीक है। इतनी बात जब डेल्टा एक्स एन लेमडा होगा तो क्या बनेगा, मैक्सिमा, जब 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा तो क्या बनेगा, मिनिमम, कंडीशंस में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो, नोट कर लिया इतना, लिखो, फॉर मैक्सिमा
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, ठीक है। दैट इज टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है? दैट इज टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, ये कहानी है अभी। अब यहाँ पर भी वही बात कि जो वेवलेंथ टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू में टू म्यू टी कॉस आर के बराबर आ जाए तो वो वेवलेंथ क्या क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा, ठीक है, इतनी बात। और जो टू म्यू टी कॉस आर एन लैम्डा को सेटिस्फाई कर दें उनका मैक्सिमा बनेगा, तो उनकी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। हाँ, एक चीज़ और है कि जो मिनिमा होगा कम्प्लीटली डार्क नहीं होगा, ये हमें पता है, ये सारी बातें पहले से ही पता है, कल लिखी भी हमने, तो बार बार नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इतनी बात। और दूसरी चीज लिखो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस हम क्या कर दें, नॉर्मल कर दें, ठीक है, तो टू म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, हाँ या ना? टू म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, यस और नो? एंड टू म्यू टी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू फॉर मिनिमा, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक और चीज, अगर टी जीरो हो जाए, अगर टी टेंडिंग टू जीरो, अगला पॉइंट लिखो, इफ टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो एक बात बताओ यार, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी एन लैम्डा के लिए, तो एन को जीरो कर दो, तो सारी वेवलेंथ के लिए सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिखो, इफ टी टेंडिंग टू जीरो देन मैक्सिमा विल बी फॉर्म फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, ऑल वेवलेंथ्स नॉट पॉसिबल, फॉर ऑल वेवलेंथ्स, हाँ या ना? जैसे उसने क्या बना था, मिनिमा बना था सबके लिए, यस और नो? और मैं आपको ये चीज़ को लिखा ही चुका हूँ कि अगर टी बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे फ्रिंजेस बन जाएंगे जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो उस बात को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, क्लियर है? इतनी बात हो गई, ये आता है बोर्ड में, लेकिन जो बोर्ड में नहीं आता है वो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, तो ठीक है, इतनी बात, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। अब जरा हम प्रॉपर बात करते हैं, ठीक है, ये तो बकवास बातें थी। अब जरा ढंग से देखते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, ये हमारे पास थिन फिल्म है, ठीक है, इतनी बात, थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऊपर एयर, नीचे एयर। अब ध्यान सुनोगे भाई, ठीक है, इतनी बात, अब लिखेगा नहीं कोई। अच्छा, एक चीज देखो, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर इंसिडेंट वाला ए आई है, ठीक है, आप ऐसे देखो, सपोज ये इंसिडेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखना नहीं कुछ, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया ए वन, पी वन कह रहा हूं, इस एम्पलीट्यूड को क्या कह रहा हूं, पी वन, ठीक है, बार बार ए लिखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
टी वन, ठीक है, क्यू वन, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, पी टू, क्यू टू, ए थ्री, दिस इज टी टू एंड सो ऑन, ऐसे ड्रामा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना ऐसे ड्रामा, ठीक है। अब मेरी बात एक मिनट सुनना, जैसे हमने लिखा था अगर रिफ्लेक्शन होता है कहीं पर तो ए आर इज इक्वल टू, क्या लिखा था, वी टू माइनस वी वन अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए आई, हाँ या ना, यह लिखा था म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, क्या कहते हैं, म्यू वन प्लस म्यू टू, लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ए आई अपने पास ए आर क्या आ रहा है, ध्यान सुनना, म्यू वन माइनस म्यू टू यानी कि वन माइनस म्यू, ठीक, यानी कि माइनस म्यू माइनस वन अपॉन म्यू प्लस वन इंटू ए आई, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशियंट फ्रॉम द फर्स्ट सर्फेस, हो गया कि नहीं हो गया? दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट फर्स्ट सर्फेस, ठीक है, अपनी बात क्लियर है? तो ये हो गया इस सर्फेस का, फर्स्ट सर्फेस का रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं, इट इज माइनस, तो जो भी इंसिडेंट रे आएगी उसका एम्पलीट्यूड इसी तरीके से क्या करेगा, कम होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर इस पर आएगी, हाँ या ना, ये ठीक है, तो म्यू माइनस वन अपॉन म्यू प्लस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये R हो गया। दूसरा जो ट्रांसमिटेड कोफिशियंट आएगा यहां पर, ठीक है, जो पी वन आएगा, जैसे P आया, ठीक है, वो क्या आएगा, P will be 2 mu 1, यानी कि 2, mu 1 ही आया था ना, देखो जरा, 2 upon mu plus 1 into AI, यही आया था कि नहीं आया था आपको? तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसमिशन कोफिशियंट एट सरफेस 1, यहां पर इस जगह पे, इसको मैं T से डिनोट कर रहा हूं, 2 अपॉन म्यू प्लस वन, यस और नो? सही है, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट यहां देखते हैं इस जगह पर, ठीक है, इतनी बात। इस जगह पे देखोगे तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आएगा, ठीक है, इतनी बात, रुक जाओ, म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन यहाँ कौन है, म्यू है, और म्यू है कि नहीं है, म्यू ही है भाई, ठीक है, तो आर डैश कर देता हूँ, कितना, म्यू माइनस वन अपॉन म्यू प्लस वन, ये आ गया, ठीक है। अब जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट यहाँ गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी डैश विल बी टू म्यू अपॉन म्यू प्लस वन, ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, एक चीज देखो, आर डैश इज इक्वल टू माइनस आर, आर डैश इज इक्वल टू माइनस आर, हाँ या ना, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया माइनस आर, लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे ठंड रख, ठीक है। अब आप एक काम करो, टी टी डैश
निकालो जरा, कितना आ रहा फोर म्यू अपॉन म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप एक काम करो, जरा इन दोनों का आर और आर डैश का प्रोडक्ट लो, आर और आर डैश का प्रोडक्ट लो, तो कितना आया माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, मतलब माइनस आर और इसका लिखो, ठीक है, इतनी बात ठीक है, आर और आर डैश का, आर और आर डैश का लिखो, छोड़ो आर आर डैश माइनस म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। इस माइनस साइन को यहाँ भेज दो, भेज दिया आपने, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसको क्या कर दो माइनस साइन के साथ, किसके साथ भेजने माइनस साइन, आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वन माइनस आर स्क्वायर ये निकालने जा रहा हूँ, वन माइनस आर स्क्वायर, जरा देखना जरा वन माइनस आर स्क्वायर क्या आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, फोर म्यू अपॉन म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ गया टी टी डैश आगे कि नहीं, आगे टी टी डैश के बराबर आया कि नहीं, जरा देखो, ठीक है, जरा नोट करो इस बकवास को, बहुत बढ़िया चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, तो उसी का स्पेशल केस है जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, उसका स्पेशल केस नहीं है, उसका एक्चुअल केस है, वो स्पेशल केस थे, हम उसमें क्या करते थे, सिर्फ A1 और A2 को सुपर इम्पोज कराते थे, मैं यहाँ सबको कराऊंगा, A1 A2 A3 A4 A5 जितने भी होंगे सबको करा दूंगा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा सिस्टम बनेगा, और एक्चुअल हम इसी को देखते हैं, हम कोई दो का नहीं देखते, हम क्या करते हैं ऐसे ही देखते हैं, पूरी थिन फिल्म को ही देखते हैं, ठीक है, हो गया डन भाई। अब जरा देखो ये चीज ध्यान रखना भैया, जो मेन है, ठीक है, मेरा क्लियर है, तो आर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द फर्स्ट सरफेस, टी क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एट द फर्स्ट सरफेस, टी डैश क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एट सेकंड सरफेस, ये कहानी, ठीक है। अब जरा देखो बड़ा बना रहा हूं, देखो बहुत छोटा हो गए, बहुत पतला, लेकिन मैं बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या बन गया,
ऐसा कुछ है भाई। अब जरा देखो, ये आया हमारे पास ए नॉट, तो ये हो गया आर ए नॉट, हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। हाँ या ना, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा आर ए नॉट, इसका क्या होगा टी ए नॉट, हाँ या ना, ठीक है, इसका क्या होगा पी पी डैश ए नॉट, और इसका मैग्नीट्यूड में आर टी ए नॉट, आर डैश और आर का मैग्नीट्यूड क्या था सेम था, हाँ या ना, ठीक है। अब इधर क्या गया आर डेंसर से ले दो, तो क्या हो जाएगा टी डैश आएगा, क्या आएगा टी डैश। अरे भाई यहाँ से इधर जा रहे थे तो टी डैश आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो और डेंसर से रेलर उधर जाएंगे तो भी क्या आएगा टी डैश आएगा, आर टी टी डैश ए नॉट आई एन, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ भी क्या हो गया आर स्क्वायर टी ए नॉट, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर टी टी डैश ए नॉट, ये हो गया आर क्यू, ठीक है अपनी बात टी ए नॉट, यहां गया तो क्या हो गया आर क्यू टी टी डैश ए नॉट। भाई ये आर स्क्वायर आया था तो यहां से आर क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आर की पावर फोर टी ए नॉट, तो यहाँ हो गया आर की पावर फोर टी टी डैश ए नॉट, यहाँ हो गया आर की पावर फाइव टी ए नॉट, यहाँ हो गया आर की पावर फाइव टी टी डैश ए नॉट, हाँ यहाँ ठीक है। यहाँ पर आ गया आर की पावर सिक्स टी ए नॉट, ठीक है, यहाँ हो गया आर की पावर सिक्स टी टी डैश ए नॉट, यहाँ हो गया आर की पावर सेवन टी ए नॉट, आर की पावर सेवन टी टी डैश ए नॉट एंड सो, ऐसा नाटक है या नहीं है सही। इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई, अभी कोई डाउट नहीं है, मैग्नीट्यूड का ही फर्क पड़ेगा बस, ठीक है, साइन तो अभी एक फेज में आ जाएंगे अपने आप, चिंता ना कर उसके लिए, हो गया भाई क्लियर है। अच्छा ये टी थिकनेस ऑफ फिल्म नहीं है, ये क्या है ट्रांसमिशन कोफिशियंट है, तो उससे मतलब बैठ देना, ठीक है, ना रोगे बैठ के। अब ध्यान सुनना भाई, अब मैं फेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मान लो जीरो फेज पे आया, इसका क्या हो गया पाई, हो गया कि नहीं हो गया, इसका क्या हो गया जीरो, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, हाँ या ना, यस सुनो, इस एम्पलीट्यूड को मैंने ए वन कहा, इसको ए टू कहा, इसको ए थ्री, इसको ए फोर, इसको ए फाइव एंड सो ऑन जितने भी हैं, ठीक है। मैं अभी ऊपर देख रहा हूँ, मतलब मैं रिफ्लेक्टेड का ही इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन देखना चाहता हूँ, ठीक है क्लियर है। अब लिखो जरा, कंसिडरिंग सुपरपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स, कंसिडरिंग सुपरपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, लिख लिया। अब एक बात बताओ, A1 और A2 के बीच में
पाथ डिफरेंस कितना है, 2 μ cos r। मैं सिर्फ पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, ए वन और ए टू के बीच में 2 μ cos r, ए टू और ए थ्री के बीच में 2 μ cos r, ए थ्री और ए फोर के बीच में। तो लिखो जरा, पाथ डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड वेव इज 2 μ cos r। निकाला हुआ हमने अभी, निकम्मो निकाला कि नहीं निकाला? ईच सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड वेव इज 2 μ cos r, सक्सेसिव ए वन और ए टू, ए टू और ए थ्री, ए थ्री और ए फोर, ठीक है, इस टाइप से इज 2 μ cos r, ठीक है। अब लिखो जरा, इफ, अच्छा इफ मत लिखो, एक चीज और देखो, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव डैश डैश में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है। लिखो लिखो वेव्स ए टू ए थ्री ए फोर डैश डैश डू नॉट हैव एनी इनिशियल फेज डिफरेंस, है कोई इनिशियल फेज डिफरेंस? सब जीरो के, ठीक है। वेव्स ए टू ए थ्री ए फोर डैश डैश डू नॉट हैव एनी इनिशियल फेज डिफरेंस, बात जमी? ठीक, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं, खुश। अब अगर 2 μ cos r एन लेमडा हो जाता है, क्या हो जाता है, एन लेमडा, तो एक बात बताओ, ए टू और ए थ्री के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ एन लेमडा में? या तो 2π होगा, या 4π होगा, या 0 होगा, या 6π होगा, इवन मल्टीपल ऑफ क्या कहते हैं, पाई होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो भाई अगर ए टू और ए थ्री के बीच में पार्ट डिफरेंस लेमडा का जाता है, तो ए टू और ए थ्री के बीच में कितना हो गया, 2π हो गया। फिर ए फोर और ए थ्री के बीच में भी क्या हो गया, 2π हो गया। ए फाइव और ए फोर के बीच में भी क्या हो गया, 2π। हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो इफ 2 μ cos r इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 2 μ cos r एन लेमडा के बराबर हो गया, तो ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सारे के सारे सेम फेस में है। अरे यार, 2π का फेस डिफरेंस का तो वहीं घूम के आ गया। हाँ या ना? इफ 2 μ cos r इज इक्वल टू एन लेमडा, देन ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर डैश डैश आर इन सेम फेस, क्योंकि इनिशियल भी नहीं था उनके बीच में, और बाद वाला भी, पार्ट डिफरेंस वाला भी नहीं आया, ठीक है। इतनी बात। अब इसका मतलब इस, हाँ, आर इन सेम फेज, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव को सुपर इम्पोज कराऊँ, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, इन सबका सम आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी कंसिडर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए टू ए थ्री ए फोर डैश डैश, नाउ इफ वी कंसिडर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए टू ए थ्री ए फोर डैश डैश, इट विल बी ए डैश कितना, ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर डैश डैश, ये आएगा कि ना, इन सब का सम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? पक्का? ठीक है, चलो बढ़िया चीज देखिए। ए डैश ए डैश इज इक्वल टू ए टू, ए टू ये रहा। हाँ या ना? आप एक काम करो, आर टी टी डैश ए नॉट कॉमन ले लो, पहला बचा 1 प्लस कितना आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा कि नहीं चलेगा? दिस इज जीपी, इनफिनिट जीपी। अच्छा, आर की वैल्यू क्या थी, म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1, 1 से छोटा है या नहीं है?
यानी कम्मो वन से छोटा है या नहीं है, ठीक है, तो यानी कि इन्फिनिट जीपी बन सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब ए डैश निकाल लूँ, मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिट जीपी हो गया, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू आर पी टी डैश ए नॉट अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अगर हाँ तो निकम्मो ये इससे कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया भाई, ठीक है, ये कट गया। अब जरा देखो इसका मतलब ए डैश इज आर ए नॉट, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने वेक्टर सम थोड़ा चालाकी से करा, मैंने पहले सारे जोड़ लिए, उसके बाद आखिरी वाले के साथ जोड़ दूंगा, एक जो बचा हुआ है, ठीक है। अब मजेदार बात, अब खेल कितना सुंदर है, ठीक है। अब खेल देखो, अब आप खेल देखो, आपने इन सबको जोड़ लिया है, ये कितना आया आर ए नॉट, और ये भाई पहले से ही क्या है, आर ए नॉट है, हाँ या ना। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है, पार्ट डिफरेंस वर्ड यूज करा मैंने, n लैम्डा है, मतलब पाथ की वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनिशियल फेज डिफरेंस पड़ा हुआ है पाई का, इनिशियल फेज डिफरेंस कितने का, पाई का। अब अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज कराता हूँ तो क्या बनेगा, इन दोनों का मिनिमा बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना, मिनिमा बनेगा और वो कंप्लीट डार्क बनेगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, आर ए नॉट और आर ए नॉट, ठीक है। तो लिखो जरा, कितना बढ़िया सुपरपोजिशन था, ठीक है, हम उस तक जाते ही नहीं कभी। अब लिखो, लिखो नाउ इफ वी कंसिडर सुपरपोजिशन ऑफ ए वन एंड ए डैश, ए डैश क्या सबका रिजल्टेंट है ना, नाउ इफ वी कंसिडर सुपरपोजिशन ऑफ ए वन एंड ए डैश, ठीक है, टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज पाई एज टू म्यूटी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा, हाँ या ना, टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज पाई एज टू म्यूटी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा, अभी निकम्मो सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब इसका मतलब ऑन सुपरपोजिशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर विल बी इक्वल टू जीरो, इंटेंसिटी विल बी ऑल्सो व्हाट, जीरो, कंप्लीट डार्क विल बी फॉर्म्ड और नॉट, हाँ या ना, क्योंकि ए वन और ए डैश को आप सुपर इम्पोज कराओगे तो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है और पाई का फेज डिफरेंस है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब इस सिनेरियो में क्या बनने वाला है, कंप्लीट डार्क बनने वाला है स्क्रीन के, चाहे कोई भी वेवलेंथ हो, अगर टू म्यूटी कॉस आर किसके बराबर है, एन लेमडा के बराबर है, या लेमडा के बराबर है, टू लेमडा के बराबर है, थ्री लेमडा के बराबर, सबके लिए आ जाएगा, यस ऑर नो, ठीक है। तो ये मुझे बताना था थिन फिल्म में छोटा सा, ठीक है, इतनी बात। ऐसे ही सेम हम इधर भी कर सकते हैं सारा नाटक, ठीक है। अब लिखो जरा, क्या लिखा, लिखो इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म हैविंग वेज शेप, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म हैविंग वेज शेप, ठीक है भाई, आ रही आवाज, ये भी जाने ही वाला है। चलो अब देखो भाई, बात करते हैं, अब वेज शेप का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। अभी तक हम ऐसी थिन फिल्म लेते थे, ऐसी है ना, वेज शेप का मतलब है हम हल्का सा एक एज को उठा देंगे, मतलब थिकनेस ऑफ फिल्म अब यूनिफॉर्म नहीं है, क्लियर है, मतलब अभी तक हमारे पास जो थिकनेस थी फिल्म की वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, अब हम जो फिल्म लेने वाले उसमें थिकनेस ऑफ फिल्म इज नॉट यूनिफॉर्म, ग्रेजुअली क्या कर रही है, बढ़ रही है एक एंड पे, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो नाउ वी विल कंसिडर, नाउ वी विल कंसिडर
थिन फिल्म हुज थिकनेस विल ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है। अब एक चीज और है भाई, इतनी भी इंक्रीज ना कर जाए कि हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न ना दिखाई पड़े। मैंने बताया था कि थिकनेस अगर हमारा मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑर्डर का हो जाता है तो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नेकेड आई पे दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब वेज होना जरूर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इतना इतना टी ना हो जाए कि कुछ बने ही ना, या बने तो हमें दिखाई ना पड़े। चलो अब जरा देखो, हालांकि मैं यहाँ पर बड़े ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे तो सवाल करना है। अब जरा देखो, ऐसा बड़ा बना ले, क्या दिक्कत है, क्या ये आ गया हमारे पास, ये वेज है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये पॉइंट हमारा ओ, ठीक है। यहाँ मीडियम भरा हुआ है अंदर, कितने का मीडियम, ठीक है। थिकनेस आपकी ग्रेजुअली क्या कर रही है, बढ़ रही है, आपको दिख रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। ये बी और ये ए, कंसिडर टू प्लेन सर्फेसेस ओ ए एंड ओ बी एट एन एंगल थीटा, कंसिडर टू प्लेन सर्फेसेस ओ ए एंड ओ बी एट एन एंगल थीटा इनक्लोजिंग मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जब आपको ज्यादातर सवाल देगा ना तो एयर मीडियम कर देगा बीच में, तो म्यू की वैल्यू वन कर देना आप जब भी आएगा, ठीक है। हम तो क्या ले रहे हैं अभी, म्यू ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इनक्लोजिंग मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब आप एक चीज देखो, हम पहले किसका पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स का, ठीक है। हम ट्रांसमिटेड का नहीं पढ़ रहे हैं अभी, पहले किसका पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड का। तो लिखो जरा, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव्स ठीक है। अब आप एक काम करो बेटा, एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, ठीक है, और एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, दो का ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। बाहर तो एयर ही है, ठीक है। अब यहां पर पड़ा, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इतनी बात। और फिर ये ऐसे गया होगा, फिर यहां से निकल के ऐसे निकला होगा, यही कहानी है कि नहीं, ठीक है, इतनी बात। फिर उन दोनों का क्या देखेंगे हम, सुपर पोजिशन, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मतलब एक वेव यहां से रिफ्लेक्ट हुई और दूसरी अंदर आकर के यहां से ऐसे निकली, जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने कहा क्यू एन, इसको क्यू एन प्लस वन, ये फर्स्ट है तो ये क्या है, सेकंड है, ठीक है। ये पी एन, तो ये पी एन प्लस, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, ठीक है। अब लिखो जरा, व्हेन दिस फिल्म इज ऑब्जर्व्ड फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, व्हेन दिस फिल्म इज ऑब्जर्व्ड फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, अ सिस्टम ऑफ इक्विडिस्टेंट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड
सिस्टम ऑफ इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हमारे पास रेज आंखों में पहुंचेंगी ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि अभी ये पैरेलल स्लैब नहीं है जो हमारा था पहले थिकनेस सेम थी तो हम ये चाहेंगे कि नियरली पैरेलल पहुंचे ठीक है नियरली पैरेलल पहुंचने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या रखेंगे स्मॉल रखेंगे तो लिखो जरा लिखो इंटरफेरिंग रेज डू नॉट एंटर पैरेलल इन आई डू नॉट एंटर पैरेलल इन आई ठीक है देयरफोर टू ऑब्जर्व बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न एंगल ऑफ इंसिडेंसेस शुड बी स्मॉल डाइवर्जिंग आएंगी ना खुद देखो ये ऐसे आया ऐसे गया ये फिर यहाँ यहाँ फिर ऐसे जाएगा ठीक है तो अलग कहानी हो जाएगी ठीक है तो क्या कहानी है हमारे पास देयरफोर क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंसेस शुड बी वेरी स्मॉल ताकि आर और ये सब ज्यादा अंतर ना कर पाए ठीक है अब सपोज एनथ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट पी एन एनथ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट पी एन ठीक है तो यहां पर थिकनेस कितनी है फिल्म की पी एन क्यू एन और ये है ना अगर nth ब्राइट फ्रिंज मुझे कहां पर मिली पी एन पे मिली ठीक है इतनी बात तो थिकनेस कितनी हो गई तो लिखो जरा t इज इक्वल टू पी एन क्यू एन इतनी हो गई ना यार ये थिकनेस हो गई ठीक है थिकनेस इज पी एन क्यू एन तो मैंने कहा nth ब्राइट फ्रिंज और मैं रिफ्लेक्टेड पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा भाई क्या कहते हैं कि इस जगह पर हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज टू म्यू पी एन क्यू एन कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू या टू एन माइनस वन एन एफ कहा हमने ये आएगा कि नहीं आएगा हाँ या ना ठीक है तो कंडीशन ये आ गई भाई इस जगह पर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या मिला ब्राइट फ्रिंज मिला तो इस जगह पे थिकनेस कितनी फिल्म की जरा बता इतनी है पी एम क्यू एन लिख दी मैंने ठीक है अब जब मैंने ये लिख दी भाई तो कंडीशन क्या थी ब्राइट फ्रिंज के लिए रिफ्लेक्टेड में टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू बात करो ठीक है अब लिखो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज एट पी एन प्लस वन नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज एट पी एन प्लस वन ठीक है तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी टू म्यू पी एन प्लस वन क्यू एन प्लस वन कॉस आर इज इक्वल टू टू एन की जगह एन प्लस वन डालेंगे तो कितना आ जाएगा टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू हाँ ये ना यही आएगा कि नहीं आएगा अरे यस और नो अगर इसमें एन प्लस वन करोगे तो यहाँ एन प्लस क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा अरे मानते हो या नहीं मानते ठीक है इतनी बात अब आप एक बात बताओ अब आप एक चीज ध्यान से देखना अगर मैं दिस माइनस दिस करना चाहूँ थिकनेस में डिफरेंस लेना चाहूँ जो बाद वाली थिकनेस और अब वाली थिकनेस है तो उसमें डिफरेंस कितना है ठीक है वो कैसे आएगा आप एक काम करो दिस माइनस दिस करके इसको नीचे ले जाओ इसको नीचे ले जाओ तो कितना आ गया लिखो
चेंज इन थिकनेस ड्यूरिंग सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, चेंज इन थिकनेस ड्यूरिंग सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। कौन है? Change in thickness during successive bright fringes is what? Delta T. That is P n plus 1 Q n plus 1 minus P n Q n, यही होगा। तो डेल्टा T कितना आया जरा देखो, डेल्टा T आया लैम्डा बाय 2 कॉमन, ठीक है, इतनी बात अपॉन 2 म्यू कॉस आर भी कॉमन, अंदर बचा दिस माइनस दिस, क्या चीज? अच्छा, फोर आर। दिस माइनस दिस तो 2n से 2n कट गया और 2 आर 2 ही आना चाहिए, क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर। हाँ या ना, ये अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? मतलब हर सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज में थिकनेस इतनी इतनी क्या करेगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी, ठीक है इतनी बात। अगर मैं ये मान लो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज था और फिर क्या आता, टेंथ आता, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में इतना, सेकेंड और थर्ड के बीच में इतना बड़ा, फिर ऐसे ही, ठीक है इतनी बात। जो डिफरेंस आएगा अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो आपसे ही बोलेगा कि भाई इस जगह पे थिकनेस इतनी थी तो टेंथ वाले के लिए कितनी होगी, जो भी आएगा, ठीक है वो आपको देखना। अब हमारे पास आ जाता है, लिखो जरा, अगर हम कहें कि भाई मेरे पास क्या आ जाता है, ये तो कौन सा था, nth ब्राइट फ्रिंज था, ठीक है। अब आता है कौन सा, m प्लस nth ब्राइट फ्रिंज, कौन सा आ गया, m प्लस nth। तो लिखो जरा, फॉर m प्लस nth ब्राइट फ्रिंज, तो अब जो थिकनेस आएगी वो कितनी हो जाएगी, m टाइम्स ऑफ दिस। अरे यार, एक बार के लिए m प्लस nth, ठीक है इतनी बात। तो क्या हो जाएगा इसी का, m टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? नाउ चेंज इन थिकनेस विल बी m lambda by 2 mu cos r। ये आगे कि नहीं आगे, क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। यहां आ गया मान लो m प्लस n वाला, ऐसा आया, ठीक है अपनी बात। अब हमने क्या करा बेटा, इसके नीचे स्केल लगा रखा होगा, ठीक है, अगर लगा रखा है हमने, ये डिस्टेंस मेजर कर लिया x, स्केल्स मेजर कर लिए, ठीक है अपनी बात आ गया। अब आप देखो जो थीटा होगा हमारे पास एंगल, वो कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे करके इसको आगे प्रोड्यूस करूं, ये थीटा है एम, और ये ड्रामा क्या है, ये हम निकाल चुके हैं, ये वाला निकाला हुआ, ये निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ है, अपॉन एक्स विल बी व्हाट, क्या कहते हैं, थीटा, टैन थीटा या थीटा, क्योंकि छोटा एंगल होगा, अगर बड़ा एंगल होगा तो थिकनेस पहले ही बढ़ जाएगी, ठीक है इतनी बात। तो क्या कहानी है, ध्यान सुनो, थीटा इज इक्वल टू पी एम प्लस एन
क्यू एम प्लस एन माइनस पी एन क्यू एन अपॉन वॉट एक्स, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और ये निकाल रखा हमने, थीटा कम्स आउट टू बी एम लैम्डा अपॉन एक्स इंटू टू म्यू कॉस आर, ये सुनो, हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ, एक्स कितना आ गया? एक्स यहां से आ गया, अगर हम एक्स देखें, कई बार हमें थीटा भी होना, तो एक्स आ गया हमारे पास एम लैम्डा बाय टू थीटा म्यू कॉस आर, ये आगे कि नहीं आगे? ये आगे हमारे पास। अब एक बात बताओ, कितनी फ्रिंजेस बनी थी बीच में, एम बनी थी कि नहीं बनी थी? तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, एक्स बाय एम, कितना होगा फ्रिंज विड्थ, एक्स बाय एम, हाँ या ना? तो फ्रिंज विड्थ बीटा एक्स बाय एम दैट इज लैम्डा अपॉन टू थीटा म्यू कॉस आर, हाँ या ना? क्लियर भाई, ये आ गया हमारे पास, दिस इज व्हाट फ्रिंज विड्थ। अब थोड़ा सा इसमें कहानी बदलते हैं, ठीक है? ये आ गया जनरल वाला, अब जो एग्जाम में आता है उसकी बात कर लें, ठीक है? कर लिया नोट सबने? क्योंकि फ्रिंजेस को क्या बननी थी, पहले बता दिया था फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, जैसे ये पहली बनी ऐसे पैरेलल, दूसरी तीसरी जितनी बननी होंगी बन जाएंगी, ठीक है? इतनी बात। यहाँ पर हमने कितनी बोली, एम बन गई बीच में, ठीक है? ये एनथ था, तो एन प्लस एम एथ था, तो बीच में कितनी बन गई, एम आ गई। अब मजेदार बात देखो, लिखो जरा, लिखो इफ मीडियम बिटवीन वेजेस, सॉरी, लिखो इफ मीडियम इन बिटवीन प्लेन्स इज एयर दैट इज म्यू इक्वल टू वन, ज्यादातर सवाल इसी के लिए दिए उसने अभी तक, इफ मीडियम बिटवीन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एयर, ठीक है? इतनी बात, दैट इज म्यू इक्वल टू वन एंड नॉर्मल इंसिडेंस इज कंसिडर्ड दैट इज आई टेंडिंग टू जीरो, तो आर भी जीरो हो जाएगा हर जगह, आई टेंडिंग टू जीरो दैट इज आर इज इक्वल टू जीरो, कंसिडर्ड दैट इज आई टेंडिंग टू जीरो। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास सबसे पहले तो देखो, जो जो काटना है मैं काट रहा हूँ, ठीक है? ये खत्म, ये खत्म, हाँ या ना? और हमारे पास आया ये, पहले ये देखो, तो मतलब थिकनेस में सक्सेसिव में चेंज क्या रहा, लैम्डा बाय टू का, और एक्चुअल में आना भी यही चाहिए था, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या करना है हमें, क्या करवाना है, टू पाई का करवाना है, सॉरी फेस डिफरेंस कितने कराना है, टू पाई का, एक तो रिफ्लेक्टेड का पाई पहले ही आ चुका है, और एक लैम्डा बाय टू का क्या आएगा, पाई आएगा, ऐड होकर के क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? रिफ्लेक्शन हुआ है तो दूसरे में पहले से ही पाई पड़ा, पहले में दूसरे पहले से ही पाई पड़ा हुआ है, और एक इस पार्ट डिफरेंस का आ जाएगा लैम्डा बाय टू का पाई, तो कितना हो गया टोटल, या तो जीरो आएगा या टू पाई आएगा, जो मर्जी आ जाए क्या बनेगा, मैक्सिमम ही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है? ये तो इतनी बात हो, इसीलिए लैम्डा बाय टू का सक्सेसिव क्या आना चाहिए, थिकनेस में चेंज आना चाहिए, ठीक है? अब जरा देखो आगे बढ़े, यहां पर भी देख लो, इस इसमें भी ये ड्रामा गायब हो गया, ये ड्रामा खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हाँ यार ये खत्म हो गया, तो इसके बाद देखो हमारे पास ये भी खत्म हो गया, हो गया खत्म, हाँ यानी ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ गई लैम्डा बाय टू थीटा, लैम्डा बाय कितना, टू थीटा, यस और नो? क्लियर है? अब आप और मजेदार बात देखो इसमें, मतलब फ्रिंजेस कैसी बन रही हैं, पैरेलल बन रही हैं एक दूसरे के, ठीक है? इतनी बात, अब
अब थोड़ा सा और मजेदार बात करते हैं, ठीक है? लिखें भाई, लिखो, इफ इंस्टेड ऑफ लिखो, इफ इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट वी यूज व्हाइट लाइट, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह क्या यूज करते हैं, व्हाइट लाइट यूज करते हैं, तो क्या होगा? अब एक बात बताओ यार, सारे कलर्स की अलग अलग फ्रिंज विड्थ होगी। अब लैम्डा बाई टू थीटा है, वॉयलेट का अलग होगा, रेड का अलग होगा, और सबसे छोटा किसका होगा? वॉयलेट का ही होगा, उसका लैम्डा क्या होता है? छोटा होता है। हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो, ऑल कलर्स विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ, तो क्या काम ने, ऑल कलर्स विल हैव क्या कहते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है? इतनी बात नहीं, नहीं, बट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इफ वी यूज व्हाइट लाइट, ऑल कलर्स विल हैव डिफरेंट फ्रिंज विड्थ, विथ वॉयलेट फ्रिंज विड्थ लीस्ट एंड रेड फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम। हाँ या ना? अभी निकम्मो, ठीक है? वॉयलेट फ्रिंज विड्थ लीस्ट एंड रेड मैक्सिमम, ठीक है? यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक और चीज अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ओ पे क्या बनेगा, अगर ओ पे इंसिडेंट होती है लाइट, तो ओ पे क्या बनेगा, ओ के क्रॉस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड जाएगी, तब क्या बनेगा? एक बात बताओ, ओ पे थिकनेस क्या है? जीरो है, जीरो है ना, थिकनेस जीरो, तो टू म्यू टी कॉस आर तो क्या हो गया, जीरो हो गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, टू म्यू टी कॉस आर जीरो हो गया, लेकिन दो रिफ्लेक्टेड जो होंगे उनमें फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई का। तो हर किसी के लिए क्या बनेगा? मिनिमा, चाहे कोई भी वेवलेंथ हो, ठीक है? इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, लिखो, इफ वी कंसिडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एज दैट इज फ्रॉम ओ, मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फॉर एवरी वेवलेंथ। हाँ या ना? मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फॉर एवरी वेवलेंथ। अब एक चीज और है यार, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, थिकनेस बढ़ रही है थिकनेस, तो एक बात होता है, थिकनेस जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा बनने लगेंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा बनने लगेंगी, तो क्या होने लगेगा? ओवरलैपिंग होने लगेगा। तो इसीलिए जब थिकनेस बढ़ती रहती है, एक मोमेंट के बाद क्या होता है, सारे कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके दोबारा से क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो हमें फ्रिंजेस दिखाई पड़ना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक ही क्या कहते हैं, फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद जब जाओगे तो फ्रिंजेस दिखाई पड़ना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज यहीं रोकते हैं, कल हम न्यूटन्स रिंग करेंगे, तो इसके बाद इंटरफेरेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। न्यूटन्स रिंग्स भी थिन फिल्म का एग्जांपल, और आईआईटी में आ चुका है कई बार।